नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। आज के समय में आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपनी बातों को सोशल मीडिया पर रखते हैं। तमाम सोशल साइट्स ऐसे हैं जहां पे लोग अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन इन बातों को रखने के बाद उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी हो जाती है। इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, वो पूरे मामले जो है हैरान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता जताई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सरकार से 2 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। दरअसल एक गैर सरकारी संस्था PUCL ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि सोशल मीडिया पर टिप्पणी करके अपनी बात कह रहे हैं लोग, आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपनी बातें कह रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज किए, कई लोगों को जेल भी भेजा गया है। सोशल मीडिया पे कुछ भी अगर वो ऑनलाइन आते हैं या सोशल मीडिया पे लाइव आके कुछ बातों को अपने रख रहे हैं या कुछ पोस्ट करते हैं, तो इस पर कई जगह से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मामले निकल के आए थे, जहाँ पर पुलिस FIR कर रही थी, लोगों को जेल तक भेज दे रही थी। इसको लेकर के मुकदमे भी कई जगह दर्ज हैं। जबकि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के तहत सेक्शन 66A को रद्द कर दिया था। इस फैसले का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपनी बात सोशल मीडिया पर कहने का अधिकार है, टिप्पणी को अपराध नहीं कहा जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों पर और सोशल मीडिया पे खासतौर जो सरकार के विपक्ष में कुछ लोग बातों को रखते हैं, उन पे लगातार जो है पुलिस नज़र रख रही है और ऐसे लोगों को के खिलाफ पुलिस जो है FIR भी दर्ज कर रही है और उनको उठा के जेल भी भेजा जा रहा है। तो इस याचिका पर सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने हैरान रहा है। सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके सुप्रीम कोर्ट ने कहा चिंताजनक इस समय स्थिति है और केंद्र सरकार से इस पर जवाब भी मांगा गया है, वो भी महज 2 हफ्ते के अंदर। वकील संजय पारिख ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि कानून रद्द करने के फैसले के बावजूद पुलिस सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है और लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इस पर जस्टिस नरीमन, जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BR गवई ने कहा, हमें मालूम है हालात जो हैं चौंकाने और हैरान करने वाले हैं। इस जवाब में अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कहा कि नए IT एक्ट के फुटनोट में साफ लिखा गया है कि सेक्शन 66A को रद्द कर दिया गया है। इस पर जस्टिस नरीमन ने भी, जो जज थे इस पूरे मामले की सुनवाई, वो भी हंस रहे थे। उन्होंने कहा कि शायद थानेदार फुटनोट नहीं पढ़ते होंगे, इसकी वजह से थानेदार जो है ऐसे मामलों पे मुकदमा दर्ज करते हैं और जो सोशल मीडिया पे लोग पोस्ट करते हैं उस चीज़ को आधार बना के मुकदमा दर्ज करते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। कोर्ट ने फिर से केंद्र सरकार को 2 हफ्ते में लिखित जवाब देने को कहा है। वहीं हम आपको बताते हैं कि देश भर में ऐसे कितने मामले अब तक दर्ज हो चुके हैं और उनका स्टेटस क्या है। इन 3 हफ्तों में कोर्ट ने इस मामले पर भी जवाब मांगा है। तो लगातार अब सुप्रीम कोर्ट जो है एक तरीके से जो आज़ादी है लोगों को अपनी बातों को रखने का सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के चिंता जताई है। सरकार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश में लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिल रही थी, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और रिपोर्ट तलब किया है, जवाब तलब किया है 2 हफ्ते के अंदर, जिसके बाद आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की जाएगी।